डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन, CSM मेडिकल यूनिवर्सिटी। इस विभाग में लगभग हम लोग 25 से 30 हज़ार OPD में हर साल चेस्ट के विभिन्न रोगों से ग्रसित मरीजों को देखते हैं। यहाँ पर OPD रोज़ाना होती है, सोमवार से शनिवार तक OPD 8 बजे से शुरू होकर के और लगभग 2:30-3 बजे तक चलती है। लगभग हर दिन हम लोग 100 से 150 मरीज देखते हैं। और अगर हम देखें कि हमारे आउटडोर में, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन मैंने बताया, तो आधे मरीज तो ट्यूबरक्लोसिस के होते हैं, खासकर ट्यूबरक्लोसिस के वो मरीज जिसमें ड्रग रेजिस्टेंस जो थोड़े पुराने हो जाते हैं, जिनका इलाज मुश्किल हो जाता है, आधे मरीज हमारे वही आते हैं। उसके बाद लंग कैंसर, धूमपान की वजह से लंग कैंसर बढ़ता जा रहा है, तो लंग कैंसर के भी मरीज काफ़ी आते हैं, जिनका हम लोग डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों करते हैं। हमारे पास 140 बेड का अस्पताल है, जिसमें तरह तरह के चेस्ट के रोगी आकर के, जो खासकर सीरियस होते हैं, वो भर्ती होते हैं। 2,000 से 2,500 हर साल मरीज भर्ती करते हैं, जिनका इलाज यहाँ किया जाता है। और उन भर्ती मरीजों में से आधे मरीज, फिर जैसे मैंने बताया, ट्यूबरक्लोसिस के होते हैं, और ख़ासकर जो डिफ़िकल्ट ट्यूबरक्लोसिस होती है, जिसमें कोई दवा की प्रॉब्लम हो जाती है या बैक्टीरिया में ड्रग रेजिस्टेंस, जिसे MDR-TB और XDR-TB कहते हैं, उस तरह के मरीज अक्सर भर्ती होते हैं, उनका इलाज मुश्किल भी होता है। 400 मरीज लगभग हर साल हम लोग लंग कैंसर के भर्ती करते हैं। और बीमारियां जो भर्ती होती हैं सबसे ज़्यादा, वो COPD या क्रॉनिक ब्रांकाइटिस, जब उसमें सांस बढ़ जाती है, एक्यूट एक्सेसर्वेशन फेज में मरीज आ जाता है, तब आके यहाँ भर्ती हो करके और ठीक होकर बहुत से मरीज जाते हैं। TB के बारे में, जैसे मेन मैंने बताया, ये डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन है, यहाँ आधी बीमारी ट्यूबरक्लोसिस की होती है। TB जैसे मैंने बताया कि हम लोगों के अस्पताल में जब मरीज आता है तो काफ़ी बिगड़ के आता है, दवाई छोड़ छोड़ के करता है, तो 2-3 बातें मैं TB के बारे में बताना चाहूँगा कि TB 100% ठीक होने वाली बीमारी है, बशर्ते उसकी डायग्नोसिस जल्दी से हो जाए। और डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग हमेशा बताते हैं, अगर किसी को खांसी 2 या 3 सप्ताह से आ रही है और वो साधारण दवाओं से ठीक नहीं हो रही है, तो अपना TB का जांच जरूर कराएं। TB के जांच के लिए दो जो मेन जांचें हैं, एक तो बलगम की जांच है, जिसमें कीटाणु अगर मिल जाता है तो सीधा हम कह देते हैं कि TB हो गई है, और अगर कीटाणु नहीं मिलता है तो उसका एक्सरे भी किया जाता है, और भी कुछ जांचें की जाती हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी शर्त यह है, अगर TB से 100% ठीक होना है तो जैसे ही खांसी आवे तुरंत अस्पताल में जाएं, अपनी जांच कराएं और TB का पता लगाएं। और जैसे ही TB पता लग जाता है तो दवाएं नियमित करना है, पूरे समय तक करना है। अक्सर देखा है कि दवाई लोग छोड़ देते हैं, और बीच में छोड़ छोड़ के दवाई करने से बैक्टीरिया में ड्रग रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। TB जो एक 100% ठीक होने वाली बीमारी है, लगभग 3 लाख लोग हर साल TB से हमारे देश में लोग मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? तो मेन कारण ये है कि लोग दवाई छोड़ छोड़ के करते हैं। दूसरी बीमारी जो हमारे आउटडोर में सबसे ज़्यादा कॉमन आती है, वो ब्रांकियल अस्थमा है, जिसे अस्थमा कहते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि हर जिसकी सांस फूलती है वो अस्थमा नहीं हो सकती, इसलिए अस्थमा में भी डॉक्टर के पास जाकर के उसकी जांच करानी चाहिए। एक स्पायरोमीट्री पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसे हम कहते हैं, वो जांच होती है, और जिससे ये काफ़ी क्लियर हो जाता है कि पेशेंट को अस्थमा है। और अस्थमा में भी वही है, लाइफ लॉन्ग लगभग डिजीज़ है, क्रॉनिक डिजीज़ है, इसमें दवाई बहुत लंबे समय तक लेना पड़ता है। और जो भी दवाई लंबे समय तक लेना पड़ता है, तो आजकल नए नए दवाओं के डिलीवरी के सिस्टम नए नए आ गए हैं, जैसे आपने देखा है इनहेलर दवाई होती है, रोटा हेलर होते हैं, तो ये सब दवाई जो है बहुत कम मात्रा में शरीर में जाता है और सीधे फेफड़े में जाता है, इसलिए ज़्यादा असर करता है और नुकसान कम करता है, क्योंकि डोज कम होती दवाई की, तो इसलिए लोगों में एक भ्रांति है कि शायद इनहेलर जो दवाई है वो सबसे आखिर की दवाई है, और एक बार इन्हेलर लेने से
शायद आदत पड़ जाएगी। तो ये सब भ्रांतियाँ हैं, ये भ्रांतियाँ दूर करना भी हम लोगों का काम है। तो आज च्वाइस, अगर आज हमसे कोई पूछे कि अस्थमा हो गया है तो कौन सी दवाई सबसे ज़्यादा च्वाइस होती है, तो मैं कहता हूँ इनहेलर दवाई, वही च्वाइस है अस्थमा के इलाज। जो सीरियस मरीज आते हैं, खासकर अस्थमा के और क्रॉनिक ब्रांकाइटिस के, COPD के, जब वो सीरियस हो जाते हैं, तो बाईपैप मशीन है जिसे हम नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन कहते हैं, वो भी लगा देते हैं। अभी हमारे पास वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, लेकिन हम प्रयत्नशील हैं कि जल्द ही विभाग में एक रेस्पिरेटरी इंटेंसिव केयर की सुविधा चालू करेंगे। 2 साल पहले स्लीप स्टडी की मशीन आई है, जिसको हम लोग पॉलीसोमनोग्राफी कहते हैं। स्लीप स्टडी उन लोगों में ज़रूरत पड़ती है जो मोटे हैं, ओबीज हैं, जिनकी गर्दन की साइज़ अगर मेल हैं तो 17 इंच से ज़्यादा है और फीमेल में हैं तो 16 इंच से ज़्यादा है, जो खर्राटे भरते हैं, खासकर जो सोते वक्त रात में बहुत तेज़ खर्राटे भरते हैं। तो ये तीन रिस्क फैक्टर होते हैं, खर्राटे भरने वालों में जो बहुत मोटे हैं, और जिनको अगर, तो उससे क्या होती है, इसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की बीमारी कहते हैं, जिसमें रात भर उसकी नींद कायदे से नहीं आती है, बीच बीच में उसकी सांस रुकती है, ये सांस की हवा अंदर जाने में अवरुद्ध हो जाता है जब मरीज लेटता है। तो इसी को पता लगाने के लिए कितनी बार रात भर में सांस रुकी उसकी, तो वो हमारी मशीन जिसे हम पॉलीसोमनोग्राफी कहते हैं, वो भी 2 साल पहले लगी है। और ऐसे मरीजों को जिनमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का शंका होता है, और जैसे मैंने बताया कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को जानने के लिए 3 चीज़ें हम लोग पूछते हैं। एक तो पूछते हैं कि आप खर्राटे, अगर वो खर्राटे लेता है, अगर वो ओबीज है, कॉलर नेक साइज मैंने कहा 17 इंच से ज़्यादा है, और दिन में उसको ज़्यादा सुस्ती रहती है, काम करने का मन नहीं करता है, और सुस्त, कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि लोग गाड़ी चला रहे हैं क्योंकि रात को नींद पूरी नहीं आती है, तो गाड़ी के ड्राइवर के सीट पर बैठ के भी कभी कभी नींद आने लगती है या झपकी आने लगती है, वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से हो सकता है। और ऐसा देखा गया है कि बहुत से लोगों का इस तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस तरह के मरीज जिनको खर्राटे आते हों, जो मोटे हों, जिनको दिन में ज़्यादा नींद आती हो, ऐसे मरीजों को स्लीप टेस्ट की ज़रूरत रहती है। ये सुविधा भी अभी हम लोगों ने जल्दी अक्वायर किया है। एक हमारे यहाँ डॉट सेंटर चलता है, ये उत्तर प्रदेश का, रादर इंडिया का ये पहला मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर डॉट सेंटर 1997 से शुरू की गई। इसमें टीबी के मरीजों की जो है मुफ्त जांच की जाती है और पूरी दवाई मुफ्त दी जाती है। अभी तक हमारे पास कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 मरीजों के लिए सुविधा है, जिसकी ये दवाई यहाँ फ्री दी जाती है। और अभी जल्द ही MDR TB के मरीजों की दवा, जिसको हम कैटेगरी 4 ट्रीटमेंट कहते हैं, वो भी हमारे ख्याल से 1-2 महीने के अंदर लखनऊ ज़िले के अंदर शुरू होगी, और ख़ासकर हमारे मेडिकल कॉलेज में उसका पार्ट आएगा और यहीं से ही शुरू होगी। जैसा कि अभी हमारे विभाग अध्यक्ष साहब ने बताया है कि हमारे विभाग में कुछ बीमारियाँ बहुत कॉमन हैं, उसमें TB एक बहुत कॉमन दवाई बीमारी है, जिसके कि लगभग 50% मरीज हमारे विभाग में आते हैं। एक बार TB का पता चल जाए कि TB है, तो TB पूरी तरह से 100% ठीक होने वाली बीमारी है, तो इसलिए उसका इलाज जैसा बताया जाए वैसे ही करना बहुत ज़रूरी है। कई बार ये देखने में आ रहा है कि आदमी का इलाज शुरू होता है बीमार का, और थोड़े दिन बाद उसके लक्षण गायब हो जाते हैं तो वो इलाज छोड़ देता है। तो अगर वो ऐसा करेगा तो बीमारी तो ठीक होगी नहीं, और बल्कि भयावह रूप की दूसरी तरह की बीमारी हो सकती है, जो जिसमें सामान्य रूप से जो दवाइयां हैं वो काम नहीं करेंगी, मतलब दवाइयों के प्रति रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी। तो एक और बीमारी के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, उसका नाम है, आम भाषा में जिसको कहते हैं, ब्रोंकाइटिस। सबने सुना है ब्रोंकाइटिस का नाम, और इसको हम अपने मेडिकल टर्म में, शॉर्ट में, COPD कहते हैं। इसका मतलब होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, अर्थात ये जो सांस की नलियां हैं, इन सांस की नलियों में रुकावट पैदा हो जाती है, और जब रुकावट पैदा हो जाती है तो सांस पूरी तरह से फेफड़े में नहीं समाती है, और उसका परिणाम क्या होता है कि मरीज की सांस फूलने लगती है, सांस की नलियों में सूजन भी आ जाती है, उनका थोड़ा बहुत फेफड़े का नुकसान भी होता है, डिस्ट्रक्शन भी होता है। इन सब के फलस्वरूप क्या होता है, मरीज को खांसी रहने लगती है, मरीज को खांसी के साथ बलगम आता है,
और फिर धीरे धीरे उसकी सांस फूलने लगती है। और जैसा कि अभी बताया गया कि ये कोई पैदाइशी बीमारी नहीं है, और ज्यादातर जो कारण इसका है, प्रमुख कारण है, वो धूम्रपान की वजह से है। ये बीड़ी का धूम्रपान हो सकता है, सिगरेट का धूम्रपान हो सकता है, या हुक्का, चिलम और किसी भी अन्य चीज का भी धूम्रपान हो सकता है। या फिर कोई ऐसी जगह आप काम करते हो जहां प्रदूषण बहुत हो, अर्थात कहीं भी जहां धूल धुआं गर्दा ज्यादा होता है, चाहे आप भट्टे में काम करते हो, चाहे आप भट्टी में काम करते हो, या और कई ऐसे हमारे रोजगार हैं जहां पर धूल धुआं गर्दा बहुत रहता है, तो लंबे समय 10-20 साल के इस धूल धुआं गर्दा के एक्सपोजर के बाद बीमारी के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, जो कि खांसी, बलगम और सांस फूलने के रूप में प्रकट होते हैं। और अक्सर ये बीमारी 30-40 साल की उम्र के बाद होती है, जबकि अस्थमा, जैसा कि बताया गया, अक्सर बचपन से शुरू होता है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? एक तो अपना उचित परीक्षण करना चाहिए, जिसमें आपके कुछ खून की जांच हो सकती है, एक्सरे हो सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण जो जांच है वो है आपकी फेफड़े की कार्य क्षमता की जांच, जिसको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं, यानी स्पायरोमेट्री भी शब्द इस्तेमाल किया गया है। ये जांच जरूर करना चाहिए। कंप्यूटर की मशीन होती है, उसमें फूंकना पड़ता है टेक्नीशियन के निर्देशों के अनुसार, और उससे आपकी फेफड़े की कार्यक्षमता पता चलती है, और इसके आधार पर आपका उचित इलाज किया जाता है। ये पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ, काफी कुछ हद तक इस पे काबू पाया जा सकता है। और जितनी जल्दी आप धूम्रपान छोड़ देंगे, जितनी जल्दी आप ऐसे वातावरण से दूर रहेंगे जहां पर धूल धुआं गर्दा है, उतनी जल्दी इतना अच्छी तरीके से इस बीमारी पे काबू पाया जा सकता है। अभी तक आप लोगों ने जो है फेफड़े के और प्रमुख बीमारी, जैसे कि सांस से संबंधित दमे की बीमारी, एक ब्रोंकाइटिस की बीमारी, और एक प्रमुख जो सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी आपने सुनी, टीबी के बारे में सुना। इसके अलावा जो दूसरी, जो अन्य एक भयावह बीमारी है, उसका नाम है फेफड़े का कैंसर, या आम भाषा में उसे समझ सकते हैं फेफड़े का ट्यूमर। जैसा कि आपको पता है, जो फेफड़ा एक ऐसा अंग है जिस पर हमारे आसपास के वातावरण का और हमारे आचरण का या हमारी जो आदतें, उसका सीधा असर इस पर पड़ता है। और फेफड़े के कैंसर से संबंधित हमारे विभाग में, हम ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में, जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए फेफड़े के कैंसर से संबंधित, वो सभी सुविधाएं हमारे यहाँ, हमारे इस विभाग में उपलब्ध हैं। जैसे कि हम लोग ब्रोंकोस्कोपी करते हैं उसकी जांच के लिए, हम लोग जो है फेफड़े के ही एक जो झिल्ली होती है, झिल्ली की जांच के लिए, जिसका झिल्ली का ट्यूमर होता है, उसकी जांच के लिए हम लोग थोरेकोस्कोपी भी करते हैं। और इन रोग से संबंधित मरीजों को हम लोग जो है उचित सलाह और उचित उनका उपचार प्रदान करा रहे हैं। और हम लोग ये समझते हैं कि शायद इस रोग के निदान में हमारा जो विभाग है अग्रगणी है, और पिछले करीब 2 दशकों से इस बीमारी के बारे में हम लोग जो है मरीजों को उपचार प्रदान करा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि फेफड़ा हम लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट, जैसे कि सांस से जिंदगी चलती है, तो फेफड़े बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उनसे संबंधित बीमारियों के बारे में हमें जागरूक रहना है। और बीमारियां ही नहीं बल्कि बचाव का भी एक महत्वपूर्ण रोल है कि टीबी ऐसी बीमारी आज के तारीख में जिसका 100% इलाज है, और उस इलाज को जब डॉक्टर शुरू करता है तो उसे अंत तक करना ज़रूरी है। डॉक्टर जब कहे कि अब आपका ठीक हुआ, तब बंद करना ज़रूरी है।